हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइसवेल, होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो के लिए खास है, जो बच्चों को घर पे पढ़ा रहे हैं, होम स्कूलिंग करा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बच्चों को स्कूल भेजना अभी इतना मुश्किल हो गया है कि हम बहुत छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना भी बिट डिफिकल्ट है। बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं और स्कूल्स तो खुले नहीं हैं छोटे बच्चों के लिए, तो उनके लिए पेरेंट्स को कहीं ना कहीं परेशानी होती है कि हमें किस तरह से पढ़ाना है, क्या करिकुलम होता है। किंडरगार्टन का, प्री प्राइमरी का, प्री नर्सरी का बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ कहीं पे मिलता नहीं है। थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको रिसोर्सेज नहीं पता होते हैं, बुक्स का पता नहीं होता है। तो मैंने आज जो मेरा ये टॉपिक है, जो मेरा वीडियो है, वो उन्हीं पेरेंट्स के लिए जो घर पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, होम स्कूलिंग करा रहे हैं, और वो उनको किस तरह से पढ़ाना है, क्या करिकुलम फॉलो करना है, उसके बारे में मैं आज आपको पूरा इस वीडियो पे बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपके जरूर ये काम आएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए, डू हिट द लाइक बटन एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो आज का जो करिकुलम है, ये स्पेशली प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी पर बेस्ड है। या जिन बच्चों को नर्सरी में भेजना है आपको नेक्स्ट ईयर, आई एम वी वांट टू प्रिपेयर देम, उनके लिए भी ये बहुत यूजफुल होगा। तो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ओरल एंड रिटन, कि आपको ओरल में क्या कराना है, कितना कराना है, और राइटिंग में क्या कराना है, किस एज के हिसाब से। मैं आपको राइटिंग की भी डिटेल्स बताऊंगी। तो ओरल पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंट्रोडक्शन। बच्चे को अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आना जरूरी है। सेल्फ इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ, ऑल अबाउट माई सेल्फ आपको बताना है बच्चे को, उसका नेम, उसकी एज, उसकी फैमिली मेंबर्स के नेम, वो किस क्लास में है, मतलब पेरेंट्स के नेम, वो किस क्लास में है, ये चीजें आपको बच्चों को जरूर सिखानी चाहिए। चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, प्ले ग्रुप में है, प्री नर्सरी में, तभी से आपको धीरे धीरे प्रिपेयर करना है। नर्सरी में है तब भी आपको ये प्रिपेयर करना है। अगर नर्सरी में बच्चे का एडमिशन होगा तो भी आपको जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो बच्चे को आना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू इंटरेक्शन के टाइम में ये इंपॉर्टेंट होता है। देन फ्यू बेसिक थिंग्स जो आती हैं, कलर्स, कलर्स रिकॉग्नाइजेशन एंड कलर्स के नेम, ये दो चीज होती है। ये दो चीज सारी ही चीजों में अप्लाई होंगी। नेम पता होना किसी चीज का, और उसको रिकॉग्नाइज करना कि ये कलर कौन सा है, ये नंबर कौन सा, ये अल्फाबेट, ये सारी जो चीजें हम पढ़ाएंगे बच्चों को उसमें अप्लाई होगी। बेसिक थिंग्स, कलर्स, सम शेप्स, शेप्स बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 शेप्स बच्चे को पता होने चाहिए, उनके नाम और उनका रिकॉग्नाइजेशन। जैसे आप पूछें कि ये शेप कौन सा है, तो वो नाम बोल सके, या आप किसी शेप को दिखा के डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये शेप, ऑब्जेक्ट्स दिखा के वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि क्या ऑब्जेक्ट किस शेप का है। देन नंबर्स, नर्सरी में 1 to 30 तक इट्स इनफ। 1 to 30 तक ओरल काउंटिंग आनी चाहिए। इसमें भी ओरल काउंटिंग नंबर्स को देख के पहचानना, दैट इज रिकॉग्नाइजेशन। सेम अप्लाइज टू अल्फाबेट्स, जितने सारे अल्फाबेट्स हैं A to Z, उसे रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, और उनके नेम पता होना चाहिए, उन्हें बोलना आना चाहिए, A to Z पूरी उसे पता होने चाहिए। फिर इसमें एक और चीज आती है अल्फाबेट में, उनके फोनिक साउंड्स। फोनिक साउंड्स आप इनिशियली ही बच्चों को सिखाएं तो इट्स वेरी इजी, जब आगे जाके उनको रीड करना होता है वर्ड्स तो बहुत इजी होता है। तो आप जब रीडिंग्स अल्फाबेट्स करवा रहे हैं बच्चों को, तो मेक श्योर कि आप उनके फोनिक साउंड के साथ बच्चों को कराएं, तब उनके लिए ज्यादा बेटर होगा। मैंने फोनिक साउंड पे भी वीडियो बनाया है, अगर आपको फोनिक साउंड्स के बारे में जानना है जॉलीफोनिक्स के थ्रू, तो आप मेरा वो वीडियो चेक कर सकते हैं। देन कम्स बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स शो करके, बॉडी पार्ट्स के नेम और उनका रिकॉग्नाइजेशन, फ्रूट्स के नेम उनका रिकॉग्नाइजेशन, वेजिटेबल्स नेम उनका रिकॉग्नाइजेशन, सीजन्स के नेम, देन एनिमल्स में वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स एंड वाटर एनिमल्स के नेम, देन ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, देन अवर हेल्पर्स जो होते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स, वो आप एक साथ सारे ना बताएं, एक एक करके आप बच्चों के करिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हो गया सारा आपका ओरल का पार्ट। इसमें आप डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर भी इंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड लर्निंग। इसमें आप ये बेसिक थिंग्स हैं, अगर बच्चा का पेस ऑफ लर्निंग फास्ट है तो आप इसमें अदर चीजें भी इंक्लूड कर सकते हैं जैसे बच्चे की लर्निंग है, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स। इसे आपको साल भर में बच्चों को ओरल वे में सिखाना है। तो मैंने हर चीज का नेम
और उसका रिकॉग्नाइजेशन बच्चे को पता होना चाहिए. ये चीजें हम स्कूल में कराते हैं. नाउ ये हो गया ओरल पार्ट. अब नाउ कम्स दी राइटिंग पार्ट. राइटिंग पार्ट जो होती है कई जगह प्ले ग्रुप और प्री नर्सरी में सिर्फ कलरिंग करवाई जाती है और ट्रेसिंग द पैटर्न्स करवाया जाता है. मतलब कलर करना है, स्क्रिबल करना है बच्चे को, क्रेयॉन से कलर करना है और जो पैटर्न्स होते हैं स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व्स, ये पैटर्न्स पे ट्रेस कराते हैं. ये चीजें फॉलो करती है स्कूल. कुछ स्कूल्स में प्री नर्सरी में भी अल्फाबेट्स और नंबर्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं. एंड दिस ऑल्सो कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द चाइल्ड लर्निंग. मतलब उसका पेस क्या है लर्निंग का. अगर बच्चा बहुत अच्छा कर ले रहा है, आपको लगता है कि वो अल्फाबेट्स भी कर लेगा, नंबर्स भी कर लेगा, उसने पैटर्न्स अच्छे से कर लिए हैं, तो आप उसे वन बाय वन करके अल्फाबेट्स राइटिंग में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. अगर आपको लगता है कि नहीं अभी सब नहीं है ठीक, तो आपको उसे अल्फाबेट्स नहीं करना. हाँ, बट नर्सरी में आपको अल्फाबेट्स कराने हैं बच्चों को ए टू जेड एंड 1 to 10 तक राइटिंग नंबर्स की करवानी है. प्री नर्सरी और प्ले ग्रुप में अकॉर्डिंग टू द एज आप बच्चों को करवा सकते हैं. बट कलरिंग प्ले ग्रुप से ही शुरू हो जाती है. जो आप ओरल में करवा रहे हैं बच्चों को फ्रूट्स एनिमल्स, इसी में आप कलरिंग दें उनको, कलरिंग करवाने. यही पूरा सिलेबस होता है. मतलब आप जो ओरल पार्ट करा रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको राइटिंग में करवाना है, कलरिंग करवानी है. देन हो गया आपका पैटर्न्स एंड अल्फाबेट्स एंड नंबर्स अकॉर्डिंग टू द क्लास, जैसे कि मैंने बताया. अब जो आता है पार्ट आपको कैसे कराना है. देखिए, सिर्फ आप ओरल दिखा दिखा के बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन और नेम्स याद कराएंगे तो बच्चा बोर भी हो जाता है और वो उतना अच्छे से लर्न नहीं कर पाता है. तो आपको राइटिंग के थ्रू इनको आप जब करवाएंगे तो इजी हो जाता है. जैसे मैचिंग, मैचिंग में आप हर जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें मैचिंग करा सकते हैं. मैचिंग द सेम फ्रूट, मैचिंग द सेम एनिमल, मैचिंग द सेम अल्फाबेट, मैचिंग द सेम नंबर्स. इससे रिकॉग्नाइजेशन बढ़ती है बच्चे की और बच्चे को चीजें याद होती जाती है. सारी ही जितने टॉपिक्स हैं ये सब पे अप्लाई होता है. फ्रूट्स, वेजिटेबल, ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, मैचिंग एक्टिविटी. देन नंबर्स में आप काउंट एंड मैच विद द करेक्ट नंबर, ये भी एक रिकॉग्नाइजेशन एक्टिविटी होती है कि आपको ऑब्जेक्ट्स काउंटिंग आ जाती है बच्चे को. जब आगे जाके वो एडिशन सीखेगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. हम शुरू से ही बच्चों को ऑब्जेक्ट काउंटिंग करवाते हैं. आप घर पे कोई ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की भी काउंटिंग करवा सकते हैं और पेपर पे शीट्स, वर्कशीट्स मिलती हैं, उसमें भी ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल ऑब्जेक्ट्स. उसको काउंट करा के आप बच्चे को, अगर लिखना नहीं आया तो आप नंबर्स लिखकर उनको मैच कराना है, काउंट करके मैच करना है. ये हो गई काउंट एंड मैच की नंबर रिकॉग्नाइजेशन के लिए. फिर होती है बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, एक पर्टिकुलर अल्फाबेट ढूंढना है बच्चे को, सर्कल करना है. बहुत सारे नंबर्स हैं, एक पर्टिकुलर नंबर ढूंढना है बच्चे को. ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है रिकॉग्नाइजेशन के लिए, नंबर्स और अल्फाबेट्स. यही एक्टिविटीज को आप मॉडिफाई करके सारी चीजों में अप्लाई कर सकते हैं. वर्कशीट्स, देखिए जितनी वर्कशीट्स आप इंट्रोड्यूस करेंगे उतना बच्चा जल्दी सीखेगा. इनोवेटिव वे में, क्रिएटिव वे में अगर आप वर्कशीट्स इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को तो बहुत ईजी हो जाता है. मैंने वर्कशीट्स पर भी वीडियो बनाया है, नर्सरी की वर्कशीट्स आप उनको चेक कर सकते हैं. मैंने बुक्स पर वीडियो बनाया है, किस पर बुक्स, कौन सी बुक्स सबसे अच्छी होती हैं प्री नर्सरी के लिए, नर्सरी के लिए और केजी के लिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर वीडियोस. मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे शेयर कर दूंगी इन सारे वीडियोस का, तो आप उनको चेक कर सकते हैं. तो ये हो गया आपका करिकुलम जो कि ओरल और राइटिंग पार्ट का है. इन्हें इजीली, पेशेंटली, आराम से आपको बच्चों को कराना है. प्रेशराइज नहीं करना है, बहुत ज्यादा खुद पर प्रेशर नहीं डालना है. आराम से कराइए. बच्चे कभी जल्दी सीखते हैं, कभी देर से सीखते हैं, बट इवेंचुअली दे विल लर्न एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हैप्पीली लर्न करें. और अभी के टाइम पे इतना ज्यादा प्रेशर, जब 10th और 12th के ही एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं तो हमें प्रेशर नहीं डालना. हाँ, लर्निंग जारी रखनी है, थोड़े थोड़े पार्ट्स में हमें लर्निंग बच्चों को कराते रहना है. तो ये था मेरा वीडियो करिकुलम पर. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. मैंने टाइम टेबल पर भी वीडियो बनाया है कि आपको छोटे बच्चों का कैसे टाइम टेबल, होम स्कूलिंग करवा रहे हैं तो आपको कैसे सेट करना है, वो भी आप वीडियो ज़रूर चेक करें, आपके वो ज़रूर काम आएगा. तो ये था आज का वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स, किसी ना किसी के ज़रूर काम आएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.